दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि भैया एलपी और लोको पायलट की ड्यूटी कैसी है, क्या करने लायक है या नहीं लायक है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप संपन्न घर से हैं, आपका अच्छा बिजनेस है, आपकी फोर व्हीलर से चलते हैं, फोर व्हीलर से उतरते हैं, आप सोने के थाली में खाना खाते हैं और चांदी के चम्मच से निवाला लेते हैं, तो आपके लिए ये नौकरी बिल्कुल सही नहीं है। आप इसकी तैयारी ना करें। यदि आपके यहाँ स्टील के चम्मच, स्टील के गिलास, उनमें भी दरारें पड़ी हुई हैं और चाहते हैं कि घर की रोजी रोटी चले परिवार संपन्न हो और आने वाली पीढ़ियों में बदलाव चाहते हैं, तो फिर ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। आपको बुराई में क्या है कि इसमें कभी रात में जगना पड़ता है, कभी दिन में, तो इसका यह मतलब नहीं कि सोने को नहीं मिलता है। आपको सोने का वक्त दिया जाता है, कभी 16 घंटे का रेस्ट मिलता है, तो 6 दिन बाद 30 घंटे का रेस्ट मिलता है। लेकिन कभी आपको ये देख रहे पत्थर, ऐसी साइडिंग में आना पड़ेगा जहाँ हल्की हल्की धूल उड़ती है, और कभी आपको कोयला वाली साइडिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ भी हल्की फुल्की डस्ट उड़ती है। तो अगर इनसे आपको नफरत है तो आप तैयारी ना करें। वैसे भी ये एग्ज़ाम 4-5 चरणों में होता है, तो बहुत से लोग छट भी जाते हैं। केवल कमेंट कर देने से नहीं होता है कि हमें एलपी नहीं बनेंगे, आपके कहने से एलपी नहीं बन जाता है कोई, उसके लिए बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप देख लीजिए, आपको जैसा सही लगे। वैकेंसी तो कुछ लोगों के कमेंट है वैकेंसी कब आएगी, तो ये मान के चलिए मेरे ख्याल से ये चुनाव के पहले पहले ही वैकेंसी दे देंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें घर चलाना है, परिवार चलाना है, अपने भाइयों को पढ़ाना है, खुद भी आगे बढ़ना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो आप लोग फार्म भरें। और बाकी लोग जिनको लगता है कि यह नौकरी कठिन है, घर पर रह के बढ़िया से उनका बिजनेस चल रहा है, तो आप लोग फार्म ना भरें। इससे क्या होगा, थोड़ी भीड़ भी कम होगी और जो लोग वैकेंसी की जिनको ज़रूरत है रियल में, उन तक ये सीटें पहुँचेंगी। धन्यवाद।